साथियों मेरे साथ है हरियाणा प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी। सर क्या आयोजन था यहाँ पर आने के? देखिए आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था तो उसको हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने, उनका स्मरण करना है, उनका योगदान जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगने वाली पीढ़ियों के लिए संविधान के माध्यम से दिया उसको याद करने, उसको स्मरण करने आए थे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे और लोगों को आगाह भी करने आए थे कि बाबा साहब के संविधान जो हमारा इस देश का संविधान है उसको मूलतः उसको चरितार्थ किया जाए, उसका अनुपालन किया जाए। आदरणीय विधायक जी एक छोटा सा सवाल है, अगर वो डॉक्टर अंबेडकर साहब भारत रत्न पूरे देश के थे तो उनको दलितों का ही नेता आखिरकार क्यों कहा? नहीं, कौन कहता है दलित, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सबके नेता थे। जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धिहीन हैं और उनको बाबा साहब का जीवन का दर्शन नहीं उन्हें सही माने में मालूम है। बाबा साहब किन सिद्धांतों के लिए खड़े रहे ये नहीं, वो अनभिज्ञ हैं इन सब चीज़ों से, इसीलिए वो इस तरीके की बात करते हैं। बाबा साहब को के वर्गीकरण करना उनके साथ बहुत अन्याय है और इस देश की विरासत के साथ बहुत बड़ा अन्याय। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने और बाबा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान का अध्यक्ष बनाया था, चेयरमैन कमेटी का जो उन्हें अध्यक्ष बनाया था, चेयरमैन बनाया था तो, और उन्होंने संविधान समिति के को जो एक दिशा दी, जो विमर्श को एक दिशा दी, उसी के फलस्वरूप इतने उत्कृष्ट संविधान की संरचना हुई जिसके लिए बाबा साहब को जीवन पर्यंत याद किया जाए। तो आप थे हमारे साथ विधायक पूर्व एमएलसी और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जी विवेक बंसल जी, जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन के बारे में प्रकाश डाल अज्ञानी लोगों को बताया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।